नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। सर्दियाँ आते ही मार्केट में सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स दिखने लगते हैं। ऐसी ही एक सब्जी अरबी जो सर्दियों में देखने को मिलती है। अरबी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है और कई लोग इसके पत्ते के पकौड़े बनाकर खाना पसंद करते हैं। अरबी के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसे खाने के क्या नुकसान होते हैं और इसे किस तरह से खाया जाता है। अरबी को हमेशा अच्छे से पकाकर ही खाना चाहिए, क्योंकि कच्ची अरबी खाने से पेट खराब हो सकता है और शरीर को कई तरह के रोग भी लग सकते हैं। इसके अलावा कई बार कच्ची अरबी खाने से गले में दर्द भी हो सकता है, इसलिए आप जब भी अरबी खाएं तो इसे अच्छे से पकाकर ही खाएं। अगर अधिक मात्रा में अरबी का सेवन किया जाए तो आपका वजन बढ़ सकता है, क्योंकि अरबी के अंदर कैलोरी काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसलिए आप अरबी ज्यादा ना खाएं और संतुलित मात्रा में ही इसका सेवन करें। कई लोगों को अरबी से एलर्जी भी हो सकती है, इसलिए अगर आप इसे पहली बार खा रहे हैं तो आप ये जांच लें कि आपके लिए सही है कि नहीं। ज्यादातर लोग द्वारा अरबी की सब्जी बनाई जाती है, इसलिए आप इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं, जबकि कई लोग इसको उबालकर भी खाते हैं। अरबी के पत्तों के पकौड़े भी लोग खाना पसंद करते हैं, इसलिए आपको जैसे पसंद हो आप इसे उसी तरह से सेवन कर लें। हालांकि इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप कभी भी अरबी या अरबी के पत्तों को कच्चा ना खाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।